और पुनः राम के राज्याभिषेक की कथा को सुनाई। और प्रभो इस बीच कुछ पूछने से भूल गई हूं, उन सारी कथा को भी विस्तार से सुनाइए। भगवान शंकर ने प्रश्नावली सुनी है, ये सुनाओ ये सुनाओ ये सुनाओ, धीरे धीरे नेत्र बंद हो गए, भगवान के नेत्र बंद हो गए, शरीर भान धीरे धीरे शून्य होने लगा, समाप्त होने लगा। भगवान शंकर के हृदय में भगवान राम की कथाएं प्रकट होने लगी, शरीर भान समाप्त होने लगा। मैं अयोध्या में हूं कि कैलाश में हूं, कैलाश में हूं कि अयोध्या में हूं, अयोध्या में हूं कि चित्रकूट में हूं कि लंका के रणांगन में हूं, शरीर से पसीने की बूं, देह भान शून्य, भगवान शंकर समाधि में चले गए। लाज समाधि अखंड अपार, भगवान समाधि में चले, और यही भजन की समाधि है, यही भक्ति की समाधि है। बंधु माता, समाधि शब्द यद्यपि योग का है, महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग गिनाए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि 8वें पर आता है, लेकिन वो योग की समाधि है, उसके विभिन्न विभाग हैं। आपने पढ़ा होगा यदि पतंजलि योग तो आप जानते हैं, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, सविकल्पक समाधि, निर्विकल्पक समाधि, धर्ममेक समाधि, अनेक प्रकार की समाधियों का वर्णन महर्षि पतंजलि ने किया है। वो मेरा विषय नहीं है, मैं योग मार्गी नहीं हूं, मैं भजन मार्गी हूं, मैं भक्ति मार्गी हूं, और आप भी अधिकांश लोग भजन भक्ति मार्गी ही होंगे, हम सगुण उपासक लोग हैं। योग की विधा अलग है, भक्ति की विधा क्या है, भक्ति की समाधि होती कैसे, भगवान शंकर को कैसी समाधि लगी जरा दर्शन करिए, भगवान राम की लीलाएं हृदय में चलने लगे, भगवान समाधि में चले। और ये समाधि शब्द में दो शब्द हैं, दर्शन करिए, भक्ति की समाधि सम और धी, सम और धी दोनों मिलकर बन गया समाधि। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, बुद्धि बराबर हो जाए इसे कहते हैं समाधि।